नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं दिन की बड़ी खबरों से। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं और आज अयोध्या में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली अन्न महोत्सव से जुड़ेंगे और यूपी के 80,000 राशन दुकानदारों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। आज पूरे यूपी में 1 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा। तो बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और ऐसे में 80,000 लोगों को राशन देने का लक्ष्य रखा गया है और संवाद वो लोगों से करेंगे। और योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या के दौरे पर हैं जहां पर अन्न महोत्सव कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश की कुछ चुनिंदा उचित मूल्य दर की दुकानों पर मौजूद लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 अगस्त से यानी कि आज से राशन वितरण शुरू किया जा रहा है और इसी दिन अन्न महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि इस योजना से करीब 15 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है और पीएम मोदी इसलिए इस सिलसिले में वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, आगरा और बहराइच की चयनित उचित दर दुकानों पर उपस्थित लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, राज्य खाद्य और आवश्यक वस्तु निगम के प्रबंध निदेशक, संभागीय खाद्य नियंत्रण और जिला आपूर्ति अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2019 के बाद में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूपीए के तहत 1948 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 34 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को साल 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था। वहीं गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध संबंधित आंकड़ों को संकलित करता है और उनसे अपने वार्षिक प्रकाशन प्राइम इन इंडिया में ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं। बता दें जम्मू कश्मीर में साल 2019 से अब तक 1200 से ज्यादा मामलों में 2300 से ज्यादा लोगों और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत 900 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और इनमें से यूपीए के तहत बुक किए गए 46% और पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए लोगों में से लगभग 30% अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर जेल में हैं। बेगागर जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जी हां, इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी और वरिष्ठ पत्रकारों एन राम और शशि कुमार, सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और वकील एमएल शर्मा ने याचिकाएं दाखिल की है। पेगागस मामले की जांच को लेकर संसद में विपक्ष रोजाना हंगामा कर रहा है और याचिकाओं में सरकारी एजेंसियों द्वारा विशिष्ट नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों के इजरायली स्पाईवेयर पेगागस के जरिए कथित जासूसी की खबरों के संबंध में जांच कराने के लिए भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। वहीं पत्रकारों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा था कि याचिका के व्यापक असर को देखते हुए इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि कथित जासूसी भारत में विरोध की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को भी दबाने और हतोत्साहित करने के एजेंसियों और संगठनों के प्रयास का बानगी भी है।
चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर ने पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, प्रशांत किशोर ने अमरिंदर को लिखे खत में कहा कि मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय राजनीति से अस्थायी तौर पर ब्रेक चाहता हूं, इसलिए मैं आपके प्रधान सलाहकार पद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। भविष्य में मुझे क्या करना है और ये मुझे अभी तक तय करना बाकी है, इसलिए मैं आपसे दस्तखत कराता हूँ और मुझे इस पद से मुक्त कर दिया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे इस पद के लिए चुनने के लिए आपका शुक्रिया। प्रशांत किशोर ने इस्तीफा ऐसे समय पर दिया है जब पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी साल मार्च में अमरिंदर सिंह ने किशोर को अपना प्रधान सलाहकार बनाया था और इसकी जानकारी सीएम ने ट्वीट करके दी थी। बता दें, इसमें उन्होंने लिखा था कि प्रशांत किशोर ने मेरे प्रधान सलाहकार के तौर पर ज्वाइन किया है, उनके साथ पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वहीं बीते दिनों प्रशांत किशोर काफी एक्टिव भी नजर आए थे और उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मुलाकात भी हुई थी। इसके बाद कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें राहुल और पीके के मुलाकात का जिक्र भी किया गया था और प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री की संभावनाओं पर चर्चा भी की थी। ये बैठक 22 जुलाई को हुई थी जिसमें कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे। बता दें, बैठक में जो निष्कर्ष सामने आया था उसके मुताबिक पीके का पार्टी में आना फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन उनका रोल तय होना चाहिए। जेडीयू के साथ जिस तरह से पीके का सफर रहा उसे देखते हुए कांग्रेस अपने यहां उनके रोल को लेकर लकीर खींच सकती है। पीओके में बैठे आतंकी संगठनों के सरगना जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर बड़े हमले करने की साजिश रच रहे हैं। हमलों के लिए आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए 8 नए घुसपैठ रूट भी तलाशे गए हैं। यहां से आतंकी घुसपैठ की तैयारी में है। बता दें, खुफिया एजेंसियों को इसकी सूचना हाथ लगी है। ये भी बताया जा रहा है कि पीओके में एलओसी के पास आतंकियों के 25 लॉन्च पैड फिर से सक्रिय किए गए हैं और लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल बदर जैसे संगठन मिलकर हमला करने की फिराक में है। जानकारी के अनुसार 8 नए रूट में पीओके के नली से लेकर कालाकोट के डंडेसर जंगल, कोट कटेरा पीओके से राजौरी के कालाकोट वाया बराल गली बागला, पीओके के नकली से राजौरी के कांगा गली और मंजोट पीओके के गांव बंटाल से कस नाला वाया कश्मीर, पीओके के गोल से पुंछ के सुरनकोट वाया सोना गली, नंदेरी पीओके से तरकुंडी, राजौरी के कंडी बदधल और पीओके के डब साई से पुंछ के सुरनकोट वाया जीका गली, हरनी जंगल और पीओके के कुकरेटा से उड़े के मोहरा तक नए रूट से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि इसके लिए कुछ दिन पहले ही पीओके में आतंकी संगठनों ने मिलकर बैठक भी की थी और हमले की साजिश रची थी। बता दें कि इन क्षेत्रों में पहले से ही 146 आतंकी मौजूद हैं और जून के बाद से अब तक ये आतंकी एलओसी के पास पहुंचे हुए हैं। आतंकी नए रूट से घुसपैठ कर सकते हैं और खुफिया एजेंसियों के पास इसकी जानकारी पहुंचने के बाद एलओसी पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें कि साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ सामने आ रहा है। हाल ही में कई बार ड्रोन भी सीमांत इलाकों में देखे गए हैं, जिसके बाद से सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बुधवार को कहा कि प्राधिकरण के चेहरे ही नहीं उसके मुंह, नाक, आंख सभी के भ्रष्टाचार टपकता है। सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट मामले में अथॉरिटी ने अपने अधिकारियों के बचाव करने और फ्लैट खरीदारों की खामियां बताने पर शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के वकील रविंदर कुमार ने अथॉरिटी और अपने अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। साथ ही वो खरीदारों की कमियां गिनाने भी लगे। वहीं पीठ ने कहा कि ये दुखद है कि आप डेवलपर्स की ओर से बोल रहे हैं, आप निजी अथॉरिटी नहीं
पब्लिक अथॉरिटी हैं। वहीं सुपरटेक के वकील विकास सिंह ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिन दो टावरों को गिराने का आदेश दिया है उनमें नियमों की अनदेखी नहीं की गई है। उन्होंने खरीदारों की नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2009 में उन टावरों का निर्माण शुरू हो गया था तो उन्होंने 3 साल बाद हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का संकट अभी भी बरकरार है। हर दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार सुबह भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,982 नए कोरोना के मामले सामने आए जबकि 533 संक्रमितों की जान चली गई। केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 22,414 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटों में 41,726 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं यानी कि कल 723 एक्टिव केस बढ़ गए हैं और केरल में बुधवार को कोविड के 22,414 नए मामले सामने आए जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,71,563 हो गई है। वहीं 108 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 17,211 पहुंच गई है। वहीं राज्य में अब तक कुल 32,77,788 लोग अभी तक संक्रमण मुक्त हो गए हैं। वहीं फिलहाल बता दें 1,76,048 मरीजों का इलाज भी चल रहा है जबकि पिछले 24 घंटे में 1,97,052 नमूनों की जांच के बाद संक्रमण की दर 11.37% दर्ज की गई। वहीं महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,18,12,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,26,290 लोगों की जान भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,09,74,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अभी भी 4 लाख से ज्यादा है और कुल 4,11,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा गंभीर है और भारत में अब तक 3,17,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि ज्यादातर लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं लेकिन 4 लाख से ज्यादा लोग अभी भी संक्रमित हैं। इनमें ज्यादातर मामले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के ही सामने आ रहे हैं। बता दें डेल्टा वेरिएंट को लेकर लोगों में कुछ कंफ्यूजन भी है और कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन प्रभावी नहीं है। ये गलत सोच है। सभी वैक्सीन कोरोना के वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं। ICMR की ओर से किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। ICMR के अध्ययन से पता चलता है कि कोवैक्सीन डेल्टा और डेल्टा बता दें B.1.617.3 वेरिएंट के खिलाफ काफी प्रभावी है। सिमरनजीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने 2 बार पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए गुरुवार को ओलंपिक के हॉकी मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की और जीत पर बधाई भी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ऐतिहासिक एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की याद में अंकित होगा। कांस्य पदक जीतने के लिए हमारे पुरुष हॉकी टीम को बधाई। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पूरे देश खासकर हमारे युवाओं की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। बता दें 41 साल बाद पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और लगातार टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है।
भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को 5-4 के अंतर से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है और इसी से पहले भारत ने वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। बता दें भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह और हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल कर इस मैच में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है और मौजूदा वर्ल्ड रैंकिंग में 3रे स्थान पर मौजूद भारत ने इस मुकाबले में खराब शुरुआत की और जर्मनी ने मैच के पहले मिनट में ही गोल कर 0-1 की बढ़त बना ली थी। जर्मनी की ओर से तिमुर ओरोज ने ये गोल किया था और भारत को 5वें मिनट पर वापसी करने का मौका मिला, लेकिन रुपिंदर पाल सिंह पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने में नाकाम रहे। पहले क्वार्टर खत्म होने के बाद भारत पर जर्मनी 0-1 की बढ़त बनाए रखी थी। हालांकि भारत के गोलकीपर श्रीजेस ने इस क्वार्टर में कुछ शानदार बचाव किया, जिसके बाद भारत ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यूपी में बीजेपी और योगी सरकार क्या अलग अलग राह पर है, ये सवाल पार्टी के लोग ही पूछ रहे हैं। दरअसल लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में जो कुछ हुआ उसका इशारा तो कम से कम ऐसा ही हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया के लिए काल बने हुए हैं और एंटी माफिया अभियान में अपराधी किस्म के लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। तो दूसरी तरफ अयोध्या के बाहुबली जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है बड़े ही मान और सम्मान के साथ। ये वही बबलू हैं जिन पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर चलाने का आरोप है। ये वही बबलू हैं जिन्हें पिछले साल भी पार्टी में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के जबरदस्त विरोध की वजह से फैसला वापस लेना पड़ा था। लेकिन बबलू को अब बीजेपी का भगवा पट्टा पहनाकर पार्टी नेताओं ने उन्हें अपना बना ही लिया है। दर्जन भर मुकदमे झेल रहे जितेंद्र सिंह बबलू अब बीजेपी के सदस्य बन गए हैं, जिन्हें पार्टी में आने से रोकने के लिए पिछले साल आसमान सर पर उठा लिया गया था। इस बार सब चुपके हुआ। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके थे और सबको यही बताया गया था कि बीएसपी और कांग्रेस से कुछ नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब मंच पर बबलू आए तो सबके होश उड़ गए। मायावती सरकार में बबलू बीएसपी के दबंग विधायक थे और अयोध्या से लेकर लखनऊ तक उनकी तूती बोलती थी। उनकी गिनती मायावती के करीबी नेताओं में होने लगी। उनके भाई को बहन जी के एमएलसी बनवा दिया। इस बीच एक ऐसी घटना हो गई कि बबलू देश भर के हेडलाइन में छप गए थे। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा का घर जलाने की कोशिश हुई और बबलू और उनके कुछ साथियों पर केस भी दर्ज हुआ, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। रीता बहुगुणा जोशी अब भी बीजेपी में शामिल है। प्रयागराज से पार्टी की लोकसभा सांसद है और योगी सरकार में मंत्री भी रही है। उनका घर चलाने का आरोपी भी अब उसी पार्टी में शामिल है और उनके बगल में बैठा हुआ ही नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में बांधों से पानी छोड़े जाने की से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम ममता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी। बता दें पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। प्रधानमंत्री ने इस स्थिति से निपटने के लिए उन्हें हर संभव केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों के लोगों की सुरक्षा की कामना भी की। वहीं भारी बारिश के चलते दामोदर घाटी निगम के बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में आई बाढ़ की वजह से लगभग 2.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और मकान गिरने और विद्युत करंट की वजह से स्थिति काफी खराब होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या से शुरू हुआ बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन बरेली में भी हुआ।
इस दौरान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारने का आरोप लगाया। तो वहीं राम मंदिर बनवाने के सवाल पर वो कुछ भी बोलते हुए नहीं आए और वहां से चले गए। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सतीश चंद्र मिश्रा से सवाल किया गया कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे, सवाल पर सतीश चंद्र मिश्रा ने चुप्पी साध ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर वो चलते बने। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि वो किसी से चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं तीसरी मोर्चा पर कहा गया कि तीसरा चौथा मोर्चा तो बनता रहेगा। लखनऊ में जो राजधानी है वहां पर एप्पल कंपनी में काम करने वाला तिवारी को रोक करके नाम पूछा और गोली मार दी सीने पे और वो मर गया। और उसके बाद जब हम उनके घर गए, उनकी पत्नी घर वाले भिड़क रहे थे, तो उसके बाद जैसे ही हम गए वैसे ही सब पहुंच गए। उसके थोड़ी देर बाद ऊपर से नीचे तक सारे लोग पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री सब पहुंच गए। उनसे कहा कि देखिए आप कुछ करिएगा नहीं, आपका हम पूरा देखभाल करें, जो हो गया सो हो गया और हम आपकी देखभाल करेंगे। उसके बाद आज देखभाल क्या हो रही, अकेले वो बैठूंगी, कोई पूछने वाला नहीं। दो दो लोगों को बिकरू कांड के अंतर्गत, बिकरू कांड कानपुर में हो रहा है, लखनऊ से माँ बाप के यहाँ अपने माँ बाप का इलाज करा रहा था कोरोना में, वहां से उठा ले गए और उठा ले जाकर के लखनऊ में शूट आउट करने का काम किया। बिकरू कांड के तहत में एक दो ब्राह्मण समाज के लोगों को नहीं, 100 लोगों का नाम लिया गया और नाम तो ले नहीं सकते थे, कोई था नहीं, तो ये योजना बनाई, एक और अच्छी योजना बनाई। उस योजना के तहत कहा गया अधिकारियों से इस मौके को मत जाने दो, ये ऐसा मौका मिला है जहां इनको सबक सिखा सकते हो और इनको सही ठिकाने लगा सकते हो, और इसलिए 100 लोगों को अज्ञात करके लिस्ट में डाल दो, कह दो अज्ञात 100 ब्राह्मण, और उसके बाद जिसको चाहो उसका नाम जोड़ते रहो। और उसके बाद पूरे खाली कानपुर नहीं, कानपुर के इर्द गिर्द ब्राह्मणों का जो क्षेत्र है, चाहे वो फरुखाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे इटावा हो, चाहे औरैया हो और चाहे लखनऊ हो, उन्नाव हो, सब जगह से एक लिस्ट बनवाई गई कि कौन कौन से मजबूत ब्राह्मण है, उनके नाम इसमें लिख दो और लिखने के बाद इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दो कि ये भी उसमें थे। बंबई और कलकत्ता में जो काम कर रहे थे वहां उनका लिस्ट में नाम डाल दिया और वहां से उठवा लिया। और तो और उसमें कितने लोगों को शूट आउट कर दिया, 16 साल के लड़के को उसको लिस्ट उठा दी गई पहले और फिर कहा कि उसी तरीके से कि गाड़ी में जा रहे थे हम पकड़ के, गाड़ी फिसल गई और ये बाहर निकला, ये भागने लगा, इसलिए हमने उसको गोलियों से मार दिया, 6-6 गोलियां मार दी। इतना ही नहीं, महिलाओं को नहीं छोड़ा क्योंकि ब्राह्मण समाज की महिला थी तो उसको कैसे छोड़ दें। तो ब्राह्मण समाज की महिला जो घर में काम कर रही थी उसको उठा ले गए, उसके साथ में उसके 3 साल के बच्चे को और 6 साल की लड़की को, उसको भी उठा के जेल में रख लिया और अभी तक जेल में बंद कर रखा है और जितनी भी दफाएं हो सकती हैं आईईसी में सब की सब उसके ऊपर लगा दी। बिजनौर के विकास भवन में पशुओं में हो रही बीमारी की रोकथाम न होने से नाराज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन किसानों ने पशुओं के टीकाकरण में हो रही विभागीय सुस्ती को लेकर किया है। आपको बता दें कि बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन की पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों की तादाद में किसान विकास भवन पर पहुंचे, जहाँ किसानों ने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन नहीं लगने की वजह से हो रही पशुओं की मौत का विरोध जताते हुए पशु अधिकारी का घेराव कर उन्हें बंधक बना लिया। साथ ही विकास भवन परिसर में मौजूद सदर एसडीएम को भी किसानों की तरफ से बंधक बनाकर धरना प्रदर्शन के दौरान अपने साथ धरने में नीचे जमीन पर बैठा दिया। किसानों की मांग है कि लगातार वैक्सीन के अभाव से पशुओं की मौत हो रही है, साथ ही सरकार की तरफ से चलाई जा रही पशुओं की टैगिंग सुविधा में भी अवैध वसूली की जा रही है, जिसका विरोध करते हुए किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। ये खुरपका और गला घोंटू की बीमारी पशुओं में इस समय पूरे चरम सीमा पर है
और वैक्सीनेशन कराई नहीं जा रही जनपद के अंदर, हर साल वैक्सीन लगती थी तो ये बीमारी इतने जोर से नहीं फैलती थी। ये प्रतिवर्ष वैक्सीनेशन होती है, तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का घेराव हम लोगों ने किया था और यहाँ उप जिलाधिकारी मौजूदगी में और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से वार्ता हुई है। उन्होंने कल से वैक्सीन लगवाने का काम शुरू करने की बात कही, उन्होंने बताया कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन है और हम कल से शुरू करेंगे। बाराबंकी शहर के हर चौराहे पर ऑटो ई रिक्शा चालकों पर राज है। दरअसल ढंग से नहीं खड़े होने पर वाहनों से चौड़ी सड़क भी पतली गलियों में तब्दील हो जाती है। यही नहीं, चालक बीच सड़क पर कब और कहां ऑटो रोक दें और किधर मुड़ जाएं कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। दरअसल इन रिक्शा चालकों की वजह से लगातार दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है और इन समस्याओं को देखते हुए बाराबंकी शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यातायात नियंत्रण करने का आरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने प्रयास भी किया। वहीं बाराबंकी शहर में सैकड़ों ई रिक्शा और ऑटो हैं जिन्होंने जगह जगह घोषित स्टैंड बना रखे हैं। शहर के नए बस अड्डे से टेम्पो चलते हैं और शहर के अंदर ऑटो रिक्शा चालक मनमाने तरीके से ऑटो चलाते हैं और खड़ा कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी पैदा हो जाती है और लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। वहीं सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पटेल चौराहा सतारिक नाके के पास लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन स्थानों पर बराबर से इतने ऑटो खड़े कर दिए जाते हैं कि करीब 45 से 50 फुट चौड़ी सड़क भी संकरी हो जाती है और इन समस्याओं को देखते हुए आरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने ट्रैफिक पुलिस के साथ है और इन पर कार्रवाई भी की है। ये अभियान मुख्यतः जिला प्रशासन और डिप्टी के आदेश में लगाया गया है। शहर के आंतरिक मार्गों में जो जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, ऑटो रिक्शा के माध्यम से जो अनाधिकृत ढंग से खड़े हो रहे हैं या जिनके पास में डीएल नहीं है, अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके खिलाफ ये अभियान लगाया गया। ये बैटरी रिक्शा है, इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? बैटरी रिक्शा को हम देख रहे हैं, जिनके पास में वांछित प्रपत्र नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई। जो प्राइवेट बसें जो चल रही हैं उनके खिलाफ कुछ? उनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है, आज ही सुबह 4 बसों को बंद किया। बाराबंकी में आज अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के कुछ चुनिंदा उचित दर दुकानों पर मौजूद लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। इसी क्रम में बाराबंकी की सभी उचित दर की दुकानों पर प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। बता दें, बाराबंकी की सभी 1402 उचित दर की दुकानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को दुकान से राशन ले जाने के अच्छे टिकाऊ बैग भी दिए जाएंगे। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि बाराबंकी आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए इसे अन्न महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और जनपद की 1402 राशन की दुकानों पर खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा और इसके साथ सभी दुकानों पर बैनर भी लगा दिए गए हैं। साथ ही नोडल अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है और जो भी बैग हमें मिले थे उसे सभी राशन की दुकानों पर भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी लाभार्थियों को आज से 15 अगस्त तक निःशुल्क राशन वितरण भी किया जाएगा। जनपद में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अन्न महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उस दिन जनपद की 1402 राशन की दुकानों पर खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। इसके लिए हर दुकानों पर बैनर लगा दिए गए हैं, नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। जो जनपद में हमको बैग्स प्राप्त हुए थे उसको समानुपातिक रूप से हर दुकान पर भिजवाया जा चुका है। हम लोगों की कोशिश है कि यह वितरण माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भी हो और साथ साथ हमारा कोई एक नोडल अधिकारी भी वहां मौके पर मौजूद रहे। जनपद के जितने लाभार्थी हैं 5 तारीख से प्रारंभ होकर हम लोग 15 तारीख तक उनको निःशुल्क खाद्यान्न से लगाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।